अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम आज इंशाल्लाह ताला नॉर्मल लॉस इन सेकेंड डिपार्टमेंट का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम आज क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 13 करने जा रहे हैं जी, नॉर्मल लॉस इन द सेकेंड डिपार्टमेंट। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ जी, बुक्स का पेज नंबर 611 निकाल लें। प्रॉब्लम नंबर 13 हम करेंगे, आपके पास कोई भी बुक हो आप उसमें से नॉर्मल लॉस इन सेकेंड डिपार्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आज इस वीडियो को देखने के बाद अटैम्प्ट कर सकेंगे। लिखा हुआ जी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 डिपार्टमेंट सी ऑफ मिसाल मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड रिसीव 4200 यूनिट्स फ्राम डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट सी ने 4200 यूनिट्स रिसीव किए हैं डिपार्टमेंट बी से। आफ्टर कम्प्लीटिंग मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशंस, मतलब जो डिपार्टमेंट सी ने मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशंस अप्लाई करने थे, उसके बाद 4200 में से 3600 यूनिट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट सी ने डिपार्टमेंट डी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं कंप्लीट करके। एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 200 यूनिट्स वर लॉस्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो लॉस हो गया है। लॉस के बारे में क्योंकि नहीं बताया हुआ तो वो ट्रीट इट्स एज अ नॉर्मल लॉस। 3600 यूनिट्स हो गए जी कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, 200 यूनिट्स हो गए लॉस्ट। 4200 में से जो रिमेनिंग 400 यूनिट्स बचे हैं, कहता है यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, बाकी यूनिट्स इन प्रोसेस हैं एट द एंड ऑफ द मंथ एज 60% कम्प्लीट एज टू द डायरेक्ट मटीरियल, 50% कम्प्लीट एज टू द डायरेक्ट लेबर एंड 40% कम्प्लीट एज टू द मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ये यूनिट्स इन प्रोसेस की स्टेज बताई हुई है। फिर बताया हुआ जी, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी, मतलब जो करंट डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई है फॉर द मंथ इज़ एज अंडर। सबसे पहले बताया जा रहा है जी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन, मतलब जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव हुए थे वो 6.0 की कॉस्ट साथ लेकर आए थे। वो जो कॉस्ट इस डिपार्टमेंट सी ने ऐड की है उसमें डायरेक्ट मटेरियल 21,120 है, डायरेक्ट लेबर 16,720 है और मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 12,408 है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने बनानी है, नॉर्मल लॉस है सेकंड डिपार्टमेंट में। कल हमने नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में डिस्कस किया था, आज इंशाल्लाह ताला नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट डिस्कस करेंगे। लॉस की ट्रीटमेंट आपको याद होनी चाहिए, वो वीडियो जिसमें मैंने लॉसेस की ट्रीटमेंट डिस्कस की थी वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होनी चाहिए आपको, ताकि आप कोई भी लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का वो अटैम्प्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल जिसमें हम क्वांटिटी का हिसाब देते हैं, स्केड्यूल बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने क्वांटिटी के लिहाज से क्या वर्क किया है। नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट की ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मल लॉस अगर सेकंड डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग द प्रोसेस होगा तो उसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने पर यूनिट कॉस्ट जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से आती है उसको एडजस्ट करना होता है, और वो लिखी जाती है सेकंड पार्ट में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में। पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट करेंगे जी। बहरहाल अभी क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले लिखना जी यूनिट्स रिसीव्ड, फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, प्रीवियस डिपार्टमेंट बी है, 4200 यूनिट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं, इन 4200 यूनिट्स का हमने स्केड्यूल बताना है। तो क्या हमें क्वांटिटी का स्केड्यूल बताया हुआ है जी, जो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं वो कितने हैं जी, जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं वो हैं जी 3600 यूनिट्स। 3600 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं। फिर बताया हुआ जी 200 यूनिट्स जो हैं वो लॉस हो गए हैं, लॉस हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे जी यूनिट्स इन प्रोसेस।
यूनिट्स इन प्रोसेस, तो वो 400 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। ये हमने बैलेंस कर लेना 4200 को कंप्लीट करने के लिए। यूनिट्स इन प्रोसेस की स्टेज हमें बताई हुई है जी कि यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं वो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं और फैक्ट्री ओवरहेड के लिहाज से कितने कंप्लीट हैं। तो बताया हुआ जी मटेरियल के हिसाब से 60% हैं, लेबर के हिसाब से 50% हैं और FOH के हिसाब से 40%। ये इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। और बाकी बचे 200 यूनिट्स, उनके बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी 200 यूनिट्स हैं वो लॉस्ट हैं, यूनिट्स लॉस्ट। जब आपने यूनिट्स लॉस्ट लिखने हैं तो ब्रैकेट में आपने नेचर भी बतानी है कि ये नॉर्मल लॉस है और स्टेज भी बतानी है कि ये ड्यूरिंग प्रोसेस है। इसी के बारे में मैंने अपने जो लॉसेस वाला लेक्चर उसमें बताया था कि यूनिट्स अगर सेकंड डिपार्टमेंट मतलब सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट में अगर लॉस हो जाएं, नॉर्मल लॉस हो, ड्यूरिंग प्रोसेस हो, तो हम क्या करते हैं इसके एडजस्टमेंट पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, दैट इज़ कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इस हिस्से में हम अब तक लगी हुई कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, टोटल भी और पर यूनिट भी। इसी हिस्से में हम पर यूनिट कॉस्ट लिखते हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो रिसीव होती है, जिसको हमने एडजस्ट करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पर टोटल लिखते हैं और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट। सबसे पहले क्या लिखा जाता है जी, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम, यहाँ पर प्रीवियस डिपार्टमेंट का नाम हमें बताया हुआ है जी। प्रीवियस डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट बी है। करंट डिपार्टमेंट के बारे में बताया हुआ है जी, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट सी, जो कि करंट डिपार्टमेंट है। आप करंट डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, उसे प्रीवियस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो करंट डिपार्टमेंट ने कॉस्ट ऐड की है वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। ये हमारे पास आएगी जी टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट सी, मतलब करंट डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने बताया हम यहाँ पर करंट डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हमने ऐड करना होता है जी प्रीवियस और करंट दोनों को, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं जी। वो आ जाती है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ये बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करने का। नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में हो ड्यूरिंग दी प्रोसेस, तो मैंने क्या इसकी ट्रीटमेंट बताई हुई है आप लॉस वाले लेक्चर में देख सकते हैं, अभी भी सुन लें ध्यान से। जब नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग दी प्रोसेस होगा सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ में, तो जो पर यूनिट कॉस्ट रिसीव होगी ना प्रीवियस डिपार्टमेंट से, उसे एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिखते हैं, इसको एडजस्ट करके लिखना है, यहाँ पर वर्ड एडजस्टेड लिख देना है। अभी हमें एक पर यूनिट कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी फॉर द मंथ एज अंडर, कि प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो 4200 यूनिट्स रिसीव हुए हैं ना वो 6 पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से हुए हैं। उनकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 6। ये कॉस्ट वो है जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुई है, लेकिन हमने क्या करना है इसको एडजस्ट करना है। टोटल कॉस्ट हम इस तरह ही लिखेंगे, 4200 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं, उनकी पर यूनिट कॉस्ट जो रिसीव हुई है वो 25, जो टोटल कॉस्ट रिसीव हुई है वो
25,200 है, लेकिन ये 6 पर यूनिट हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको एडजस्ट करके लिखना है, इसमें लॉस का इफेक्ट करना है। वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। पहले हम बाकी देखें जी, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट सी लिख लें कि जी कॉस्ट ऐड की है जी मटीरियल की, वो है 21,120। लेबर की कॉस्ट है 16,720। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 12,408। ये वो कॉस्ट है जो करंट डिपार्टमेंट ने ऐड की है। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं जी, 21,120 प्लस 16,720, साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाएं, 12,408, तो आपके पास करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 50,248। ये करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो गई, इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 75,448। तो ये टोटल कॉस्ट जिसका हमने हिसाब देना है। उससे पहले हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और आप जानते हैं पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो फोर्थ पार्ट है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, उसको सॉल्व करना है। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड, हर लेक्चर में मैं बताता हूँ जी, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का मकसद ही पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना है। पर यूनिट कॉस्ट कौन सी, पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी, यहाँ पर हम प्रीवियस डिपार्टमेंट की जगह पर लिख रहे हैं जी डिपार्टमेंट बी की भी, और डिपार्टमेंट सी की भी। डिपार्टमेंट बी प्रीवियस डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट सी जो है वो करंट डिपार्टमेंट है। तो जब हमने डिपार्टमेंट सी की लिखनी है तो वो आप जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर एंड विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड, अलग अलग लिखनी है। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि आपने कॉस्ट लिखनी है जी प्रीवियस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट है 25,200, करंट डिपार्टमेंट के मटेरियल की कॉस्ट है 21,120, लेबर की कॉस्ट है 16,720, एफओएच की कॉस्ट है 12,408। अब आपने इसको डिवाइड करना है यूनिट्स के साथ। पहले तो आ जाएं यहाँ पर, नॉर्मल लॉस अगर सेकंड डिपार्टमेंट सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट में हो तो उसकी ट्रीटमेंट ये है, ये जो पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की है इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का बड़ा आसान तरीका जी, पहले टोटल कॉस्ट लिखें, इसको डिवाइड करें जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स आए हैं। प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितने यूनिट्स आए हैं, 4,200। एडजस्टेड कैसे हो जाएगी ये, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्ट इस तरह से करेंगे जितने यूनिट्स नॉर्मली लॉस्ट हुए हैं उन्हें डिनोमिनेटर में इन यूनिट्स में से माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 25,200 डिवाइडेड बाई 4,000, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट इंकर हो गई ना वो तो नहीं वापस आ सकती, यूनिट्स बाहर हमारे पास कम हो गए हैं। तो 25,200 की कॉस्ट लगाकर आपने जो 4,200 यूनिट्स बनाए थे अब वो कितने रह गए हैं, 4,000। तो इस तरह ये पर यूनिट कॉस्ट एडजस्ट हो जाती है। 25,200 को डिवाइड करें 4,000 से तो आपके पास एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट आएगी 6.3। हालांकि प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई थी वो 6 थी, लेकिन नॉर्मल लॉस इस डिपार्टमेंट में होने की वजह से ये पर यूनिट कॉस्ट एडजस्ट हो गई। एडजस्टेड हम इस वजह से लिखते हैं कि ये पर यूनिट कॉस्ट 6 की बजाय 6.3 हो गई, एडजस्टेड हो गई। अब आपने यहाँ पर एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है, साथ एडजस्टेड का लफ्ज़ लिख देना है। तो ये नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट की ट्रीटमेंट है कि आपने पर यूनिट कॉस्ट जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव होती है उसको एडजस्ट कर लेना। देखिए हमने उसको एडजस्ट कर लिया, वो 6 से बढ़कर 6.3 हो गई। तो ये नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट है जी। अब आ जाए जी करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट। अब क्वेश्चन आपका एज़ यूजुअल क्वेश्चन हो गया जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अगर आप एडजस्टेड का ये वाला मेथड यूज़ करेंगे ना तो आपके क्वेश्चन में एक तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे और आपको कोई ख़ास चेंज नहीं लगेगा, इसके बाद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आपका क्वेश्चन एज़ यूजुअल अब आगे जो है वो मूव करेगा।
तो अब हमें चाहिए जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू FOH। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए मैंने बताया था कि आपने क्वांटिटी स्केड्यूल को देखना है, 3600 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड का मतलब है ये मटेरियल के हिसाब से भी कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से भी कंप्लीट हैं और FOH के हिसाब से भी कंप्लीट हैं। 400 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। यूनिट इन प्रोसेस को लिखने का तरीका उनको उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है। 400 यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से 60% हैं, लेबर के हिसाब से 50% हैं और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से 40% हैं। इनको इनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने। तो ये आ जाएंगे जी 3600 प्लस इसका 60% लेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से यूनिट्स आ जाएंगे 3840। डायरेक्ट लेबर के हिसाब से देख लें, ये आएंगे जी 3600 प्लस 400 का 50% लेंगे तो आएगा 200, ये आपके पास आ जाएगा 3800। इसी तरह FOH के हिसाब से देखें तो आएगा 3600, 400 का 40% लेंगे तो 160 आ जाएगा, तो ये आ गया 3760। इस तरह ये यूनिट्स आ गए जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के। इन यूनिट्स को डिवाइड कर दें जी इनकी कॉस्ट के साथ, आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 3800 एंड 3760। कॉस्ट को इनके यूनिट्स के साथ डिवाइड करें तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जैसे आप रूटीन में डेली बेसिस पर कर रहे हैं। 21120 को डिवाइड करें जिसके यूनिट्स हैं 3840, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई 5.5। इसी तरह डायरेक्ट लेबर को 16720 डिवाइडेड बाय 3800, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई 4.4। इसी तरह FOH को 12408 इसको डिवाइड करें 3760 के साथ, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 3.3। ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इन पर यूनिट कॉस्ट को यहाँ पर लिख दें जी 5.5, 4.4 और 3.3। तो ये करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब इनको ऐड कर दें, 3.3 प्लस 4.4 प्लस 5.5, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 13.2। ये करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट है। अब करंट में प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐड करनी है, 13.2 में 6.3 ऐड करें तो ये 19.5 पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ये एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट है, इसमें हमने जो नॉर्मल लॉस का इफेक्ट था वो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया हुआ है। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस का मीनिंग भी मैंने बताया हुआ जी। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस का मतलब है अब तक जो टोटल कॉस्ट लगी है आपने उसका हिसाब देना है, बताना है कि जो टोटल कॉस्ट आपने सेकंड पार्ट में निकाली है कि हमारी 75,448 की कॉस्ट जो है वो अब तक इंकर हो गई है, उसका हिसाब देना है कि उसमें से कितनी कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स पर लगी है, कितनी कॉस्ट इन प्रोसेस यूनिट्स पर लगी है। आप देख लें जो नॉर्मल लॉस था उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ये हुई जी, आपने उसको क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखा और पर यूनिट कॉस्ट को एडजस्ट कर लिया, बाकी और कहीं पर आपने उसको नहीं लिखा, यही इसकी ट्रीटमेंट है। सबसे पहले जी आपने कॉस्ट का हिसाब देना है, तो बताना भी कितनी कॉस्ट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट्स पर लगी। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, कितनी कॉस्ट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट्स पर लगी। देखें कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट्स कितने हैं, 3600।
3600 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं और इनकी पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस और करंट को मिलाकर लॉस की एडजस्टमेंट भी बीच में हो गई है 19.5 है। अगर इस तरह लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे ना तो आपको बाद में यहाँ पर अब चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ही पर यूनिट कॉस्ट होगी उसको ही आप हर जगह पर यूज़ करेंगे जिसमें लॉस का इफेक्ट हुआ होगा। 3600 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, इनकी पर यूनिट कॉस्ट है 19.5, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आ जाएगी 70,200। तो आप कॉस्ट का हिसाब दे रहे हैं, आपने सबसे पहले बता दिया जी कितनी कॉस्ट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट्स पर लगी है, अब बताएं कितनी कॉस्ट इन प्रोसेस यूनिट्स पर लगी है। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस, इसका भी मैंने आपको तरीका बताया है कि जब भी इन प्रोसेस की कॉस्ट बतानी है दो हिस्सों में बतानी है, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी, वो डिपार्टमेंट बी है, और करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी। जब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट बतानी है तो वो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अलग, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अलग, और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से अलग। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस में सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट बतानी है। देखें यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं, 400। ये 400 यूनिट्स जब प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए थे तो ये कितने के थे, 6.3 के, इसमें एडजस्टमेंट हुई भी है। तो हर वो यूनिट जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से आता है, 4200 यूनिट्स जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए हैं, हर यूनिट 6.3 का है। तो पहले प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखे ना जो ऑलरेडी उन पर लगी हुई है इन प्रोसेस यूनिट्स पर। आप देखना जब आपने 3600 यूनिट्स लिखे थे उसमें भी 19.5 से मल्टीप्लाई किया था, 19.5 का मतलब है इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी शामिल है। तो हर यूनिट जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से आता है वो अपने साथ एक कॉस्ट लेकर आता है। तो वो हो गई जी 2520, ये इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट है जो प्रीवियस डिपार्टमेंट ने लगाई है। अब बताएं जी करंट डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है, उसका तरीका क्या है जी। आप देखें इन प्रोसेस यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं, यहाँ पर आपके पास उसका उसकी वर्किंग ऑलरेडी है। इन प्रोसेस यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से हैं 240, लेबर के हिसाब से हैं 200, और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से हैं 160, ये उनकी स्टेज है। इन प्रोसेस यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से 240 हैं, लेबर के हिसाब से 200 हैं, FOH के हिसाब से 160 हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें जी इनकी करंट डिपार्टमेंट सी की पर यूनिट कॉस्ट के साथ, दैट इज़ 5.5, 4.4 एंड 3.3। ये यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी जी आपके पास। इसे मल्टीप्लाई कर दें, 240 मल्टीप्लाई बाय 5.5 ये आ गया 1320, 200 मल्टीप्लाई बाय 4.4 ये आपके पास आ गई 880, इसी तरह 160 मल्टीप्लाई बाय 3.3 ये आ गई 528। तो ये यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई। यहाँ पर भी लॉस यूनिट्स हमने नहीं लिखे क्योंकि नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग दी प्रोसेस हो, उसकी दो ट्रीटमेंट थी, एक यहाँ पर लिखना था क्वांटिटी स्केड्यूल में और एक हमने पर यूनिट कॉस्ट एडजस्ट करनी थी। पर यूनिट कॉस्ट जब एडजस्ट होगी देखें उसका इफेक्ट यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, हर जगह पर उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट हो जाता है। अब आप यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट को ऐड करें, 2520 प्लस 1320 प्लस 880 प्लस 528, तो ये आपके पास इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट आ गई 5248। अब ये कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है, ये इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर दें तो कॉस्ट अकाउंटेड, कॉस्ट का हिसाब मुकम्मल हो जाएगा, दैट इज़ 75,448। तो आपने इस कॉस्ट का हिसाब दे दिया कि कितनी कॉस्ट पर यूनिट्स, कितनी कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स पर लगी है और कितनी कॉस्ट इन प्रोसेस यूनिट्स पर लगी है। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, इसमें जो चीज़ समझने वाली थी वो नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग दी प्रोसेस है, सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में उसकी एडजस्टमेंट ये है जी पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट करनी है और उसे क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखना है। बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो एज़ यूजुअल है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप YouTube चैनल पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
अगर आप ये समझते हैं कि लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है तो इसको शेयर करें ताकि और बच्चों का भी बेनिफिट हो जाए और दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।